सब जानते होंगे हम लोग उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग के भुक्तभोगी हैं, जो कि 2016 में एक विज्ञापन निकला था, परीक्षा हुई 2021 में। दूसरा विज्ञापन आया 18 में, परीक्षा हुई 16 अप्रैल 2022 को। और छः महीने और एक साल के ऊपर हो गया है परीक्षा करवाए हुए, रिजल्ट अभी कहीं अता पता लापता है। अब बात कहें, हम ये जो देख रहे हैं कि हमारे सब लोग यहाँ इको गार्डन में धरना दे रहे हैं, विगत 26 नवंबर से हम लोग यहाँ अनवरत आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, और ये हम लोगों का अनशन अनवरत चलता रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। हमारी मुख्य मांग है कि 2016 का, ये आप देख रहे हैं, 2016 में एक विज्ञापन आया था, मैंने लाल उससे कर दिया है, मैंने लाल से कर दिया था, क्योंकि ये अभी तक इनकी सुध नहीं ली गई है। 28 विज्ञापन संख्या 2016, 489 पद थे, मात्र 489, उसके बाद 3 पद और कम कर दिए, 486 रह गए। अब ये देख लीजिएगा, इसकी इसको निकले हुए 6 साल हो गए, इसका अभी तक परिणाम लंबित है, परिणाम लंबित है। दूसरी बात करते हैं, एक विज्ञापन आया 18 में आया, ये भी अवर अभियंता संग्रह कम फोरमैन का था, इसका भी परिणाम अभी तक लंबित है। इन दोनों वैकेंसियों को आयोग दरकिनार कर रहा है, नज़रअंदाज कर रहा है, सौतेला व्यवहार कर रहा है। बल्कि उसके बाद की विज्ञापन संख्या आपको बताते हैं, 1/2019 सम्मिलित अवर अधीन सेवा 672, लगभग पूर्ण समथिंग, यह मान लीजिए अंतिम रिजल्ट की ओर पहुंच गया है। उसके बाद आता है 4/2019 कनिष्ठ सहायक 1186 पद हैं, ये पूरी पूर्ण कर दी गई है। अब ये सौतेला व्यवहार नहीं तो क्या कहेंगे, हम लोग 16 और 18 के हैं, हम लोगों को नज़रअंदाज किया गया। उसके बाद चलो ये यहाँ तक भी ठीक है, अब हमें ये समस्या तो तब होती है तब 2021 का जो विज्ञापन है, 2021 का है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला का, क्यों 9212 पद है इस पे, 9212 आप इनको पूर्ण कर लिए हो, इनको कॉपी चेक हो गई, OMR चेक हो गया, इसका रिजल्ट निकाल दिए, सब कुछ कंप्लीट कर दिया। हम भेदभाव सौतेला व्यवहार क्यों हम कहेंगे, 20 बार कहेंगे, दरअसल क्यों कर रहे हो, क्योंकि इस पे जो संख्या है 3 अंकों में दिखाई दे रही, 9212, क्योंकि आपको क्या चाहिए, जितनी संख्या भारी होगी जिस विज्ञापन में, आप दिखाएंगे कि हमने 10,000 लोगों को रोजगार दे दिया। अब हम लोग ये नहीं देख रहे, जो 6 साल से और 4 साल से जो विज्ञापन है, हम मुट्ठी भर लोग हैं, आप हमको नज़रअंदाज कर रहे हो, ये नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं। हम लोग शांत प्रिय आदमी हैं, शांत प्रिय हमारे सब बच्चे हैं, हम लोग कभी शोर शराबा कभी कुछ नहीं करते हैं, आराम से हम अनुनय विनय के साथ आपसे हम करें कि आप जिस क्रम में आपने वैकेंसी निकाली है, आप उस क्रम में पूर्ण तो करिए, हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन उसके बाद की वैकेंसियों को आप कर रहे हो, हमारी वैकेंसी क्यों नहीं कर रहे हो, समस्या यहाँ पे आ रही है। और अगर ऐसा हुआ तो हम होने नहीं देंगे। ये जितनी भी आप देख रहे युवा जो हैं, अगर आक्रोशित हो गए तो ये जो उत्तर प्रदेश का जो है रवैया और ये जो तानाशाही, ये चल नहीं पाएगी। फिर अभी हम लोग शांत प्रिय लोग हैं, इसलिए कह रहे हैं कल जो भी चीज़ें हैं आप क्रमावार निकालिए, क्रमानुसार जब निकाले हो तो उसको पूरा करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप 10 साल नहीं निकालिए, हम बैठे रहेंगे, लेकिन हमारी बात की वैकेंसी नहीं निकलनी चाहिए, बात की वैकेंसी नहीं निकलनी चाहिए। ये गुस्सा है इनका, आप भी कुछ बोलेंगे सर? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर आप जो है आप देख ही रहे होंगे सभी लोग, हाँ, इसको थोड़ा सही से पकड़िएगा, आप देख रहे होंगे कि आप एक बात बताइए कि जो 19 में वैकेंसी आई है, जो 21 में वैकेंसी आई है, और एक 16 और 18 में वैकेंसी आई है, क्या 21 वाले को या 19 वाले को कितना कम इंतज़ार करना पड़ रहा है या हमें ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ रहा है? तो जिसको ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ रहा है आप उसको पहले कंप्लीट करिए, जरूरत उसकी ज़्यादा है क्योंकि वो आपने 6 सालों से लटका रखा है, उसको आपने 6 सालों, इसको 6 साल हो गए, इसको 4 साल हो गए, लेकिन ये जो बाद की वैकेंसी है इनको आप जो है पहले से भर रहे हैं। एक चीज़ बता दो, आप लोग जैसे इसके थ्रू कहाँ जाते हैं, वहाँ पर क्या जिम्मेदारियाँ रहती है? मैं इसके लिए हम लोग कहीं नहीं जा सकते, इसके लिए हम लोग अधीन सेवा चयन आयोग जा सकते हैं, वहाँ पर हम लोग हमेशा जाते हैं, अपनी बात कहते हैं, लेकिन वहाँ पर हमें या तो वहाँ से भगा दिया जाता है, पुलिस फोर्स बुला ली जाती है वहाँ से हमें, और वहाँ से हमें धक्के मार के भगा दिया जाता है, और हमें बता दिया जाता है कि आपका जो है एक तसल्ली देने के लिए आपका 2 महीने बाद आएगा, और 2 महीने करके हमारी पूरी साल खा गए हैं, और बताइए 1 साल खा गए हैं, अभी हमारा पहला परिणाम आएगा, मान के चलिए अभी 2-3 महीने में ये हमें परिणाम दे देंगे तो हमारा पहला परिणाम आएगा, फिर जो है 2-3 महीने में जो है हमारा DV करवाएंगे, फिर 2-3 महीने में जो है हमारा मेन रिजल्ट आएगा, कब ज्वाइनिंग होगी, कब क्या होगा, मर जाए जिए क्या करें ये बताइए, 24-25 हम जो है 28-29 साल के, कोई 29 साल का, कोई 35 साल का हो रहा है, क्या मतलब है साला, जिंदगी है कि नरक बना रखा है? तो क्या घर वाले आपको बोलते होंगे कि बेटा बहुत पैसा लगा दिया पढ़ाई कराने में? अब सर आप बोलेंगे क्या, जब ये यहाँ तक हम लोग 2016 के पास आउट हुए,
पहली बात तो ये एग्जाम 6 साल बाद कराए, तो जब तक पढ़ रहे थे तब तक पैसे मिल रहे थे, और जब ये पता चल गया कि हाँ इसमें हो जाएगा तो हमने पढ़ना बंद कर दिया, वो भी 2 महीने वेट किए, अब रिजल्ट आएगा, जब लगा कि रिजल्ट नहीं है तो उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया। हम लोगों के यहाँ से आने का डेली रूम पे 60 रुपये का किराया है, रूम पे जाने का पैसे ही नहीं बचते, पैसे खत्म इसलिए पर्स रखना बंद कर दिए हैं, 40 रुपया बच्चा डेली आते जाते हैं उसी में, अब कहाँ से पैसे मिलेंगे सर? ये सच्चाई नहीं है, ये कोई कौतूहल का विषय नहीं है, ये जो बोल रहे हैं ये बिल्कुल जो लोग एजुकेशन में होंगे, जो इस सेक्टर में पढ़ाई करते हैं उनकी स्थिति में पता होगी। तो आगे अब कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? अब जब तक हमारा रिजल्ट नहीं जारी हो जाता तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे, क्योंकि बिना रिजल्ट लिए तो हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। इतना 8 साल हम लोगों ने 6 साल इंतज़ार किया, अब आगे एक भी दिन नहीं करेंगे, अब हमारा जब तक बात नहीं सुनी जाएगी तब तक यहीं बैठे रहेंगे। कल हमारे यहाँ पे इको गार्डन में प्रदेश के प्रत्येक जिलों से छात्र आ रहे हैं जो कि इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किए हैं, और यहाँ पे हम लोग इसके बाद यहाँ से सीएम आवास की तरफ कूच करेंगे। इनकी काबिलियत कितनी है इससे तो आप अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, जहाँ पर ये खड़े हैं ये स्ट्रक्चर आप देखेंगे इतना विशाल ये बनाया गया है, कहीं ना कहीं सिविल इंजीनियरिंग की ही देन है। जी बिल्कुल, आज यहाँ पर लाखों लोग यहाँ पर धरने देते हैं, पर डे आकर के 10,000-20,000 लोग रहते हैं, तो क्या आपने इतना अच्छा काम करते हैं, सिविल का क्षेत्र है जी, तो सिविल इंजीनियरों को आज धरना देना जी, ये देश का दुर्भाग्य ही कहूँगा मैं कि हम लोगों को यहाँ पर अनशन के लिए आना पड़ा है, अपनी मिट्टी पर बैठे जी 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 जी, जी। बहुत सारे लोग बहुत इस स्थिति में है कि बहुत सारे लोग ओवरेज हो गए हैं, बहुत सारे लोग अपने परिवार से पीड़ित हैं इस चीज़ से, घर से कोई सपोर्ट मिल नहीं रहा है, दर दर भटक रहे हैं, क्या करें सर हम इस स्थिति में, बहुत बुरा हाल हो गया है इतनी पढ़ाई करने के बाद। तो यही सब चीज़ें हैं, 2016 की वैकेंसी 489 पर इसमें लिखा है, इस पर परिणाम अभी लंबित है, और ये सब जो इन्होंने इसमें रिपोर्ट किया हुआ है, सम्मिलित अवर अभियंता अधीन सेवा 672 लगभग पूर्ण हो चुकी है। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि अगर जो है हमारा ये कल का प्रोग्राम है, ठीक है, कल हम सीएम आवास जाएंगे और जो है विधानसभा भी घेरने का प्लान है, आपको जाने दिया जाएगा वहाँ पकड़, ठीक है, तो हम विधानसभा घेरने का प्लान है, बाकी जो भी प्रशासन करेगा वो हम देख लेंगे, और नहीं हमें जाने देंगे तो हम यहाँ से भूख हड़ताल शुरू कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मर जाएंगे, और मरने जैसी ज़िंदगी बना रखी है नरक, इसमें जीना है, जीना क्या है इसमें, ये कोई जीना है कि हम धरने बैठे हुए हैं, घर वालों को पता नहीं है क्या ये जीना है क्या है, ये सरकार को देखना चाहिए इसमें जो है, हम यहाँ पर परेशान होकर बैठे हुए हैं, कोई सुन रहा है यहाँ पे हमारी बात, नरक बना के रखा हुआ है बिल्कुल जो है। तो ये दर्द है इन लोगों का, आते हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हैं, अब कहाँ रुकते हैं, क्या करते हैं, क्या खाएंगे, वो इनका अपना एक किसी प्रकार से जुटाते हैं चीज़ें, अब ये एक प्रकार का ऐसा पद है इन लोगों का। 10 दिन हो गए यहाँ पर बैठे हुए, मेरे घर पे पता नहीं है मैं यहाँ पर हूँ, मैं झूठ बोल के बैठा हूँ कि घर पे क्या बोलूँगा, घर वाले मुझे जाने देंगे कि वहाँ पर मेरे ऊपर क्या होता है, मैं जी रहा हूँ मर रहा हूँ, मेरे ऊपर मुकदमा हो रहा है, क्या हो रहा है, ये दर्द है सर, छुपा हुआ है, बस दिखा नहीं जा रहा है आपके सामने, ये सच्चाई दिखा रहा हूँ, ये कोई वो नहीं है ऐसा, अब इनका कष्ट देखो, जो बनावटी आंसू नहीं है, ये आंसू नेचुरल है, ये कहीं ना कहीं कष्ट है इनका, अब भाई इनके परिवार से तो मैं जुड़ा नहीं हूँ, लेकिन इनके आंसू बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं स्थिति बहुत विकट है इनके घर में, और ऐसे लोग अगर युवा वर्ग इस प्रकार से विचलित हो जाएगा तो उस देश का भविष्य क्या होगा। झूठ बोल के यहाँ पर 10 दिन से टिका हुआ हूँ, घर पे बोल दिया है कि एग्जाम है, मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ, ये पढ़ाई हो रही मेरी, धरने बैठना पड़ रहा है मुझे। आप लोगों को ताने भी मिलते हैं, लोग कहते हैं अरे वो कुछ नहीं उतना लगे हैं, किसी का सामने नहीं आना चाहता हूँ, इतने ताने मिलते हैं, ज़्यादा बात नहीं कर सकता मैं समझ रहा हूँ, इनका ये भावुक हो गए हैं, और अब देखना ये है कि अब किस प्रकार से जो जिम्मेदार हैं, जो विधानसभा में या सदन में कौन ऐसा प्रतिनिधि है जो आवाज़ उठाए, मैं तो चाहूँगा कि कोई ऐसा जिम्मेदार प्रतिनिधि इनका विधानसभा तक आवाज़ लेके जाए, और ये भावुक हो गए हैं काफ़ी, जो है चीज़ें इनके बोलने में बहुत ज़्यादा इन्होंने बताया है। 5-6 दिन हो चुके हैं, मैं डेली सुबह निकलता हूँ कहीं इसके ऑफिस कहीं उसके ऑफिस अपना ज्ञापन देता हूँ ताकि हमारी कोई तो सुने, 10वां दिन है यहाँ पर कोई नहीं आया है, बताइए क्या ये स्थिति है, ये सरकार क्या देख रही है, सरकार मैं सरकार पे उंगली उठाऊँ तो मैं गलत हूँ, सरकार पे उंगली ना उठाऊँ तो बैठा रहूँ मैं यहाँ पे, क्या स्थिति बना रखी है। युवा देश का भविष्य होता है, तो आप लोग का भविष्य कहना, अभी कहने के लिए तो ये है कि हम लोग सरकार की तरफ नहीं उंगली उठाएंगे, क्योंकि हम जो है सरकार को गलत साबित करेंगे तो पता नहीं हमारे साथ सरकार क्या करेगी,
लेकिन आप जो है मुद्दे पे तो नहीं बात कर रहे हैं ना, आप रोजगार के मुद्दे पे। आप यूपी ट्रिपल एससी को आपने कब आंख उठा के देखा है कि वहाँ पर क्या हो रहा है? 6-6 साल से लोग बैठे हुए हैं, अखिलेश सरकार के जमाने की भर्तियां लटकी हुई हैं। क्या कर क्या रहे हैं आप लोग, क्या देख रहे हैं? अधीन सेवा चयन आयोग की तरफ एक बार नजर उठा के देखिए, वहाँ पर क्या हो रहा है? 3-3 महीने हो जाते हैं, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, यही नहीं पता चल रहा है आयोग में चल क्या रहा है। तो ये हालत है, और बहुत इन्होंने अपना पूरा भावुकता जो इनकी दिखी है इसमें, ये स्पष्ट भावुकता दिखी है। अब सरकार के ऊपर है ये चीज़ें कि कब तक इसको सॉर्ट आउट करते हैं, और कब तक इन लोगों को अपने यथास्थान पर नियुक्तियाँ मिलें और ये अपने परिवार के लिए काम कर सकें। कहने को तो लोग बोल देते हैं कि प्राइवेट जॉब कर लो, प्राइवेट पढ़े किस लिए हैं हम, डिप्लोमा किस लिए किया है प्राइवेट जॉब करने के लिए? हमने डिप्लोमा किया है क्या बताइए? प्राइवेट जॉब करेंगे तो फिर हमने ये डिप्लोमा किस लिए कर रखा है? हमें जेई बनना है क्या? हमने अपना हक है ये हमारा कि हम भीख मांग रहे हैं? हमारा हक है हमें दिया जाए, जल्दी से जल्दी रिजल्ट जारी किया जाए ताकि हम जो है अपना कुछ और देखें। सरकार के लिए हम बैठे हुए हैं, सरकार यहाँ हमारी बात सुने और यहाँ पर अपने किसी अधिकारी को भेजे। ये बहुत टेक्निकल लोग हैं और कहीं ना कहीं इनकी स्थिति को सभी वाकिफ हैं। जब ये लोग तैयारी करते हैं तो एग्ज़ाम देना पड़ता है, फिर इसके बाद काउंसलिंग कराने के बाद बेचारे घूमते हैं प्रदेश में या देश अपना पॉलिटेक्निकों में जा कर के अपना काउंसलिंग कराने के बाद फिर कॉलेज मिलता है, फिर इसके बाद 3-4 साल पैसा खर्च करके किसी प्रकार से तैयारियां करते हैं। सपना होता है घर वालों का कि कहीं ना कहीं अगर सही जगह पहुंच जाएंगे तो इनका तो काम, इनका तो स्थिति सुधरेगी, परिवार की भी स्थिति सुधरेगी। तो अगर ये हालत है, कुछ लोगों ने बताया है कि 35 ईयर ओल्ड हो गए हैं, 30 प्रकार मैक्सिमम जो लोग हैं यहाँ पर 25+ ही हैं, 30, 32, 35 तक लोग पहुँच गए हैं। तो अब कुछ ही समय उनके लिए और है कि भाई जब तक वो उनका धैर्य है, जवाब नहीं दे रहा है तब तक तैयारी करेंगे, और नहीं तो फिर कुछ ना कुछ अपनी रोजगार चलाने के लिए अपना कुछ काम करेंगे। तो बाकी आप लोग थोड़ा सा सरकार से भी ज्ञापन के माध्यम से, मैंने हर जगह देना जगह ज्ञापन दिया है कि हम लोग हर जगह जाके, सब जगह जाके हम लोग 6 बजे उठ के इनके साथ अकेली लड़कियों के में पूरे दर दर भटकते हैं हम लोग। आज एक दिन से नहीं, 11 दिन से भटक रहे हैं सर, किसके पास नहीं गए हैं, ये आश्रम के निकल रहे हैं, हर जगह ज्ञापन दिया हमने, अभी तक कोई सुनने नहीं आया हम लोग का बात। इतनी ठंड लगती है सुबह में, फिर भी 6 बजे हम लोग निकल जाते हैं, निकल 2-2 घंटे वेट करते हैं उनकी आवाज़ पे बाहर जा जाके बैठ बैठ के कि कोई तो सुन ले, लेकिन अब तक कोई नहीं सुन रहा है। युवा साथियों से अपील है कि ऐसे लोगों का जो कवरेज हो रहा है इसको आप लोग थोड़ा सहयोग प्रदान करें, इसको इतना भेजें, इतना आगे तक बढ़ाएं कि जो जिम्मेदार हैं उनके कानों तक आवाज़ जाए, इनका दर्द वो कहीं ना कहीं सुन सकें, और इनके दर्द को इनका जो रिजल्ट है उसको कहीं ना कहीं पूरा करके और ये लोग अपने परिवारों के लिए, अपने लिए कुछ काम कर सकें। सभी लोग साथी इसको शेयर करें, और हमारी भी लास्ट में यही अपील है सरकार से कि ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि इस पर बहुत ज़्यादा खींचा जाए, लेकिन जो ये लोग विवरण सहित इसको लेके आए हैं तो आप लोग खुद इस पर विचार कर लेंगे कि भाई 2016 का आप नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद की जो वैकेंसी आ रही हैं 19 में जो वैकेंसी आ रही है लगभग पूर्ण होने की उस स्थिति में है, और इनका जो पुरानी वैकेंसी है उसको पूरा नहीं किया जा रहा है। तो आप लोग देखते रहिए दरक्षक की यूपी ट्रांसमार्ट लखनऊ, इंजीनियर एस पी सिंह बघेल के साथ। जय हिंद, नमस्कार। कल के लिए जो है कि जो कल आप बड़ा धरना कर रहे हैं 6 तारीख को, 6 दिसंबर को, उसके लिए आप बच्चों से क्या कहेंगे? आपके जो साथी हैं जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं जिन्होंने 16 में 18 में पार्टिसिपेट किया, फिर भी वो संख्या यहाँ नहीं हमको दिख रही है। हमारे 20-25 साथी, सिर्फ हम 20-25 नहीं है, हमारी संख्या हज़ारों में है, लेकिन वो क्यों नहीं आ रहे हैं? आखिर वो क्यों नहीं है? इस बात को आप क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे उनको, कैसे? अभी मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी एक छोटी सी बात कहूँगा, सभी अभ्यर्थियों से जो 16 के और 18 के अभ्यर्थी हैं और जो नए भी अभ्यर्थी हैं, हम उनके लिए भी हम मांग कर रहे हैं। कल हमारा सबसे बड़ा धरना है 6 तारीख को, और आप लोग बहुत ज़्यादा संख्या में आइए ताकि हम सरकार पर अपना एक प्रेशर बना सकें, सरकार से अपनी बात कह सकें। आप लोगों को आना ही होगा, वरना आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, कल परसों आप बैठे होंगे और ऐसे ही भटकते रहिएगा, कोई आपकी बात सुनने वाला नहीं है। इसलिए एक दिन के लिए आपको बुलाया जा रहा है, तो आप आइएगा, ज़रूर आइएगा, हाथ जोड़ के विनती है। और ये मेरी विनती क्या बल्कि ये आपका हक है, आपको यहाँ आना चाहिए अपनी मांग करने के लिए। जी बिल्कुल। और कल के लिए इन्होंने कहा कि जैसे कि आपको आना होगा, बिल्कुल आना होगा। ये साथियों, ये जो लड़ाई चल रही है, हम सरकार के माध्यम से आयोग पे सवाल कर रहे हैं कि आयोग आखिर क्यों नहीं, जो जेई भर्ती है 2016-2018 की, उसका नया रिजल्ट, उसके बाद 2018 के बाद जेई भर्ती का एक भी नया नोटिफिकेशन नहीं आया है। इन सारी चीज़ को लेकर के आखिर क्यों जेई के स्टूडेंट्स के साथ, जेई जो जूनियर इंजीनियर भर्ती के छात्र हैं जो जेई बनना चाहते हैं उनके साथ आखिर क्यों इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है इस तरीके से? तो लगातार मांग कर रहे हैं, ये लगातार दौड़ रहे हैं,
तो आप लोग प्लीज़ जो 6 तारीख़ का इनका ये रिक्वेस्ट है, आप लोग इनके दर्द को, इनकी पीड़ा को समझिए और 6 तारीख़ में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होकर के अपनी आवाज़ को तेज़ बनाएं, अपनी आवाज़ को बुलंद करें। और सरकार में बैठे हुए जो हमारे मंत्री लोग हैं, जो सत्ता पक्ष है, और मीडिया के माध्यम से आयोग तक भी ये बात पहुँचे और संज्ञान में लेते हुए हम ये जो नए परिणाम पुराने लंबित हैं, इन परिणाम पे रिजल्ट आए और उसके साथ साथ नया विज्ञापन भी आए। तो इसी बात के साथ मैं विराम करता हूँ। धन्यवाद।